जी हाँ मेरे भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फर्स्ट मुकाबला इंडिया के लिए जीएल का इतना जबरदस्त सटीक टीम हमेशा की तरह, जो हमारे यूजर्स मात्र 49 रुपया लगा के 49,000, 25,000, 20,000 लेते हैं, अब उनसे भी ज़्यादा लेंगे। बस वीडियो में बने रहना, मात्र 6 मिनट टाइम देना है, 6 या 18 जीएल घर ले जाना है। जीएल का रिंग देखने लायक बनेगा, मैच जबरदस्त है। आपने मुझे डोमेस्टिक में जीएल के काफी करीब जीएल दिलचस्पी मैंने दिखाया, लगभग सारे टीम आ जाते हैं, थोड़ी सी वजह से जीएल मिस हो जाता है। कई बार कैप्टन बीसी ऑलमोस्ट ड्रीम टीम आ जाता है, नाइट में ही देखोगे, नाइट क्या कल वर्ल्ड कप में ही, अगर यदि नबी राशिद और मुजीब कुछ कर पाता तो हम लोग जीएल के रैंक 1 होते। सेम टीम मैंने जो दिया था, वीडियो जो देखे हैं तो क्या किए हैं, वो मुजीब के जगह फजल फारूकी के लिए इनका सॉल्यूशन खत्म हो गया। नबी पे बड़ा रिस्क और राशिद पे लेना थोड़ा सा मुश्किल था, दोनों जिस तरह का ऑलराउंडर था, जीएल विन करवा सकता था। तो जीएल विन करने के लिए मेहनत के साथ साथ भैया बहुत बड़ा चीज़ है लक। मेहनत करके आप इतना आगे तो आ जाओगे, बाकी 19-20 का जो मामला है वो लक पर डिपेंड करता है। तो मेरे जितने भी प्यारे भाई वीडियो देख रहे, वीडियो को लाइक कर दे। तो क्या आप लोग है तैयार जीएल पे कुछ नया करने के लिए? प्रयास करते रहो करते रहो, किस दिन आपकी ज़िंदगी बदलेगी वो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन अब जो प्रयास करेगा नहीं, ड्रीम इलेवन खेलेगा ही नहीं, तो उसका 1 करोड़ कैसे फंसेगा? अरे खेलोगे तभी तो, पढ़ोगे तभी तो, नौकरी किसी को लगता है किसी को नहीं, जो पढ़वे नहीं करता तो उसको पता है लगेगा ही नहीं। देखो ज़्यादा बातें करके फायदा है नहीं, डिटेल में वीडियो चाहिए, पिच रिपोर्ट, रिसेंट फॉर्म, कौन सा प्लेयर का रिकॉर्ड क्या है, बाकी वगैरह वगैरह फर्स्ट वीडियो पे बता दिया, कुछ कमी नहीं है। पूरा डिटेल में उनका पूरा करियर क्या करता है, वो प्लेयर कितने बजे उठता है, यानी पूरा दे दिया हूँ, तो दिक्कतें नहीं। अब जो है सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं, जो हमारे यूजर्स कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ शानदार रिजल्ट ला सके। तो देखो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फाइनल पिच रिपोर्ट, फाइनल टीम, जो भी न्यूज आता है वो दूंगा लाइनअप के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर फर्स्ट कमेंट जो होता है ना वीडियो के, वहाँ पर लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, वहाँ पर जुड़ जाओ। जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको 57.2K 3K सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा, यहीं पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ना, क्योंकि बहुत सारे फेक है, हूबहू डोमेस्टिक नजर आएगा, पैसा मांगेगा, सही टीम नहीं देगा तो वहाँ फंस जाओगे। याद रखना फ्री का चैनल है आप लोगों के लिए। तो मेरे भाई चलिए रणनीति को स्टार्ट किया जाए। अब यहाँ पर बात आएगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखो किन बातों पर निर्भर रहना। इंडिया देखो पहले गेंदबाजी करेगा तो इंडिया क्या वन साइडेड विन करेगा, तो किस प्रकार का टीम होना चाहिए। इंडिया अगर यदि बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा गेंदबाजी को फेवर मिलता है पिच रिपोर्ट, तो गेंदबाजी ओपनर पे कैसे जाना चाहिए, 2 जीएल हो गया। सेम उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगा तो वो वन साइडेड विन करेगा, या फिर गेंदबाजी के बल पर विन करेगा, तो 2 वहाँ 4 हो गया। अब लगे कि गेंदबाजों का बोलबाला है तो दोनों टीमों का ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज लेंगे, और लगे कि बल्लेबाजों का बोलबाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टीम का बल्लेबाज लेंगे। कैप्टन वाइस का बेहतर चॉइस कौन होगा? 7 से 8 प्लेयर मैं बताऊंगा जो फिक्स टीम पे होना चाहिए, बांग्लादेश जैसे अफगानिस्तान वाले टीम की तरह। तो मेरे भाई हो तैयार, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि इंडिया पहले गेंदबाजी कर रहा है और इंडिया वन साइडेड विन कर रहा है, लेकिन अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरे भाई बहुत दिलचस्पी से मैं बोल रहा हूँ, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर दो, 1 लाख सब्सक्राइबर के नज़दीक है, आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत ही तो लाख पहुँचिएगा। तो मेरे भाई चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि इंडिया पहले गेंदबाजी करेगा और इंडिया वन साइडेड विन करेगा, हम लोग भी चाह रहे हैं, तो हमारा टीम इस प्रकार से बनेगा। अब जाने इनका कारण, इंडिया पहले गेंदबाजी करेगा और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा, लगातार इंडिया की गेंदबाज झटके पे झटके देगा, तो ऐसे स्थिति में उनका टीम बिखरेगा, तो एलेक्स कैरी को ज़्यादा मौका मिलेगा, नीचे आएगा क्योंकि उनका शुरुआती झटका लग रहा है। इनके अलावा वर्नर, मिचेल मार्श, ये लोग हार्ड हिटर नहीं चलेंगे, तभी तो उसका टीम बिखरेगा और इंडिया ओपन से विन करेगा। बड़ा बड़ा प्लेयर चल ही जाए तो गेंदबाजी इतना लेके क्या फ़ायदा,
ओपनर को देके क्या फायदा। तो ये मानकर चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सस्ते में निपटेगा, जहां पर स्टीवन स्मिथ और मार्कस लेविसग ने बहुत ज़्यादा टाइम देकर खेलते हैं, तो ये दोनों कुछ हद तक करेगा। सी ग्रीन थोड़ा नीचे आएगा, बहुत हद तक संभारने का प्रयास करेगा, मैक्सवेल के जगह ग्रीन को लिया, क्योंकि मैक्सवेल हार्ड हिटर है, हार्ड हिटर अगर चलेगा तो इंडिया वन साइडेड विन करना मुश्किल है, तो उनको ड्रॉप किया और एलेक्स कैरी बढ़िया करेगा। अब देखो कैप्टन बीसी ओपनर से फिनिश कर गए, तो हमारा मानना है कि ईशान किशन ज़्यादा हार्ड हिटिंग करेगा। अगर यदि आपको लगता है कि रोहित शर्मा हार्ड हिटिंग ज़्यादा करेगा, तो रोहित शर्मा कैप्टन बीसी यहाँ पर ईशान किशन को दे देना, या फिर आपको लगता है कि इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह या कुलदीप 4 से 5 विकेट ले जाएगा, तो ऐसा कर सकते हो, जसप्रीत बुमराह को कैप्टन या फिर कुलदीप को कैप्टन, बीसी यहाँ पर रोहित शर्मा या फिर बीसी यहाँ पर ईशान किशन, सेम उसी तरह से कर देना, या फिर कुलदीप और जसप्रीत बुमराह को बीसी देकर कैप्टन रोहित शर्मा कैप्टन ईशान किशन, या फिर कैप्टन जसप्रीत बुमराह बीसी यहां पर कुलदीप यादव, या फिर कुलदीप यादव कैप्टन बीसी यहां पर जसप्रीत बुमराह, या फिर जडेजा के ऊपर, जो आपको लगे या टीम हम लोगों ने बनाया है कि इंडिया वन साइडेड विन करेगी। तो मेरे भाई ये टीम बनाया हो कि ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगा तो क्या होना चाहिए, सेम वही सिचुएशन है कि ओपन से फिनिश करेगा तो इन दोनों कैप्टन बीसी दे देंगे, या फिर आपको लगता है कि मिचेल मार्श कैप्टन होना चाहिए तो मिचेल मार्श कैप्टन बीसी, डेविड वार्नर इंडिया के टॉप ऑर्डर बिखरेगा तभी तो इनका सारा गेंदबाज निखरेगा। तो इंडिया के टॉप ऑर्डर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने रोहित शर्मा विराट कोहली ईशान किशन को मैंने ड्रॉप किया, और संभालेगा कौन, लोकेश राहुल श्रेयस अय्यर थोड़ा जमकर संभालने का प्रयास करेगा, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या भी अंत पे ठीक ठाक करेगा, बाकी ये ओपनर से कर जाएगा, हो सके स्टार्क ज्यादा विकेट ले जाए जो कि इंडिया को दिक्कतें आती है, तो वही सेम करना है, कैप्टन स्टार्क देकर बीसी वार्नर या फिर बीसी मिचेल मार्श, या फिर वार्नर कैप्टन बीसी मिचेल मार्श, या फिर मिचेल मार्श कैप्टन बीसी मिचेल स्टार्क, ऐसा कर सकते हो, या फिर गेंदबाज के ऊपर जा सकते हो, जंपा लगे पेट कैमिच लगे जो लगे वो कर सकते हो। यह टीम हमारा बनाने का मतलब रहा कि इंडिया वन साइडेड यहाँ पर हार जाएगी तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जीएल का कॉम्बिनेशन में यह ट्रिक आता है। तो मेरे भाई ये टीम बनाया हूँ कि जो ओडीआई सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा था, रन बहुत जम के बरस रहे थे, अगर यदि बैटिंग फ्रेंडली पिच लगा और रहा कि बहुत ज़्यादा रन बरसेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज लेंगे, मात्र एक गेंदबाज कुलदीप को यहाँ पर पिक किया हूँ, पार्ट टाइम हार्दिक पांड्या, पार्ट टाइम ग्लेन मैक्सवेल। अब एक अगर यदि आपको लगता है कि एक गेंदबाज लेना चाहिए डेथ का, अगर यदि इंडिया पहले गेंदबाजी करे तो जसप्रीत बुमराह को ले लेना, कुलदीप को ड्रॉप कर देना, या फिर कुलदीप को रहने देना, पहले अगर यदि गेंदबाजी करे ऑस्ट्रेलिया तो मिचेल स्टार्क को ले लेना, या फिर आपको लगे कि मार बहुत जोरदार चलने वाला गेंदबाज का बोलबाला बहुत कम होने वाला है तो इनके जगह आप चाहो तो यहां पर लोकेश राहुल ले सकते हो, या फिर यहां से चाहो तो श्रेयस अय्यर ले सकते हो, या फिर यहां से कैमरून ग्रीन ले सकते हो, रविंद्र जडेजा ले सकते हो, ये निर्भर करेगा उन बातों पे जो यहां पर लाइनअप के बाद टॉस अपडेट के बाद लगे। अब ऐसे स्थिति में देखो कैप्टन वाइस का बढ़िया चॉइस कौन हो जाता है, देखो हमारा मानना वार्नर और विराट हो जाता है क्योंकि दोनों जमकर अच्छा खेलेंगे, रोहित को भी दे सकते हो ऐसे स्थिति में क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, या फिर हार्दिक पांड्या ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर भी जा सकते हो, यानी बल्लेबाज के ऊपर जाना क्योंकि यह पिच जो है बल्लेबाज को अनुकूल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज लेंगे, ये कॉम्बिनेशन आएगा बल्लेबाज पे, कैप्टन बीसी से रोटेट करोगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तरह मारधार हुआ तो जीएल करेंगे देखने लायक लगेगा। तो मेरे भाई अगर यदि हम लोगों को लगे कि गेंदबाजों का बोलबाला होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज लेंगे, अब देखो ऐसे स्थिति में ऑलराउंडर का रोल अहम हो जाता है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेगा, ये भी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेगा। अब आपको लगता है मोहम्मद सिराज या फिर बुमराह के जगह यहाँ पर आर अश्विन को लेंगे तो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों दे सकता है, जो सेजलवुड को ड्रॉप करके यदि आप चाहते हो कि पैट कमिंस को तो ले सकते हो, एक्स्ट्रा बल्लेबाज में सेफ ऑप्शन में विराट कोहली का नाम आता है, स्टीवन स्मिथ का नाम आता है, हार्ड हिटिंग में तो रोहित शर्मा डेविड वार्नर इन लोग का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों का फेवर है तो इस प्रकार से होगा। अब पहले गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया कर रहा था कैप्टन मिचेल स्टार्क दे देना, सेकेंड में यहाँ पर कुलदीप को बीसी कर देना, इंडिया ऐसे स्थिति में पहले गेंदबाजी करे तो जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी दे देना, और यहाँ पर जो सेजलवुड की जगह जंपा ले लेना, सेकेंड इनिंग में स्पिनर कहीं ना कहीं मदद है तो स्पिनर बीसी कर देना जंपा को। तो ये रणनीति करते जाना, एक एक प्लेयर करके यहाँ पर भी रोटेट करना, लवुशगने की जगह अय्यर कर लिए, अय्यर की जगह यहाँ पर विराट कर लिए, रोहित कर लिए, तो ये कॉम्बिनेशन, या फिर एक एक ऑलराउंडर ड्रॉप करके यहाँ पर एक एक बल्लेबाज लेते जाना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाज वाला कॉम्बिनेशन मैंने बताने का प्रयास किया, जो ज़्यादा गेंदबाजी बोलबाला रहा तो ये टीम वर्क करेगा, इस स्थिति में कैप्टन वाइस भी मैंने बता दिया। अब बात आती है कि सेफ टीम को जीएल टीम पे कैसे कन्वर्ट करें। देखो पहले इंडिया की तरफ से हमारा सेफ प्लेयर में लोकेश राहुल का नाम आता है, विराट कोहली का नाम आता है, हार्दिक पांड्या का नाम आता है, रविंद्र जडेजा का नाम आता है, यहाँ से कुलदीप का नाम आता है।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा जाए तो हमारा सेफ में डेविड वार्नर का नाम चलो आता है, स्टीवन स्मिथ, मार्कस लबुशग्ने का नाम आता है, ग्लेन मैक्सवेल का नाम आता है। बाकी यहाँ से देखा जाए तो पहले गेंदबाजी पे मिचेल स्टार्क, सेकेंड गेंदबाजी पे एडम जंपा, तो ये हमारा आता है। बाकी यहाँ से देखा जाए तो मैं कैमरून ग्रीन के ऊपर यहाँ से जाने वाला हूँ। तो हमारा सेफ सटीक के रूप में मेरा मतलब फेवरेट टीम के रूप में देखा जाए तो हमारा ये टीम नज़र आता है। हो सके ग्रीन के जगह रोहित या ईशान किशन में से किसी एक को पिक करूं, ऐसा भी हो सकता है, और जंपा स्टार्क इन लोगों में से किसी एक को पिक करूं। तो ये हमारा टीम होता है, ये सेफ टीम हो गया। कैप्टन मैं यहाँ पर हार्दिक को दे दिया हूँ। बीसी के लिए देखा जाए तो ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस लबुशग्ने, स्टीवन स्मिथ, इनके अलावा विराट कोहली भी सही है, लेकिन मैं बीसी यहाँ पर मार्कस को दे रहा हूँ। तो ये हमारा सेफ टीम होता है। अब सेफ टीम को धीरे धीरे रिस्की में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कैमरून ग्रीन को ड्रॉप किए, जितने सारे प्लेयर मन कर रहा है उनको एक एक बार ड्रॉप करेंगे, फिर से कैमरून ग्रीन को रहने देंगे। अब जंपा को ड्रॉप करके सारे गेंदबाज, पैट कमिंस, स्टार्क, जो भी है, एक एक बार करके ट्राई करेंगे। एक बार हो सके तो यहाँ से मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करके इंडिया के रोहित शर्मा को पिक करूँ। तो एक एक करके सेफ टीम को रिस्की टीम में बदलते जाना, बहुत सारा जीएल बन जाएगा। तो मेरे भाई कोशिश करो, कोशिश करने मत भूलो, पता नहीं किनका लक कब साथ दे दे, मेहनत करते रहो, जीएल आएगा। तो मेरे भाई आशा करते हैं कि आप लोगों को हर तरह से, हर प्रकार से अच्छी जानकारी दे पाया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। डोमेस्टिक रिकॉर्ड के अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगे जहां पर कन्फर्म प्रॉफिट होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी कुछ जानकारी मिल जाए, वो बढ़िया रिजल्ट लाए तो आपको श्रेय जरूर दें।